अगला ना आस बाबा हाँ देश वाले को क्यों हाँ देश वाले को क्यों सच्ची क्यों देश वाले को हेलो दोस्तों मैं हूं कृष्णा वेलकम बैक इन आवर यूट्यूब चैनल रिएक्शन जोन और दोस्तों कैसे तो दोस्तों नेपाल का एक गाना बहुत ही प्यारा गाना जो कि फौजों से रिलेटेड है गोरखा से रिलेटेड है नेपाल आर्मी से रिलेटेड है एक गाना जिसका नाम है पीर। जी हाँ पीर सॉन्ग बहुत ही ज़्यादा चल रहा है, बहुत सारे लोगों ने उसके बारे में कई बातें कही हैं, कुछ सुनी कुछ अनसुनी। तो चलिए देखते हैं इस वीडियो को, सुनते हैं इस गाने को और समझते हैं कि आखिर क्या है ये गाना। एक पैट्रियोटिक सॉन्ग है, लव सॉन्ग है, आखिर क्या चीज़ है। चलिए सुनते हैं इस गाने को और वीडियो को एंड में थोड़ा डिस्कशन करेंगे वीडियो को लेकर के, नेपाल को लेकर के और नेपाल आर्मी को लेकर के। ओके दोस्तों तो चलिए चलते हैं सीधे यूट्यूब पे जहाँ पे हमें वीडियो मिलेगा। और हाँ दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और मुझे इंस्टा पे फॉलो कर लीजिए, जिससे कोई भी वीडियो सबसे पहले वो आप तक पहुँचे। आप मुझे कमेंट सेक्शन में या फिर इंस्टा फेसबुक भी मैसेज करके अपनी रिकमेंडेशन मुझे दे सकता है, जिससे कि मैं उसके ऊपर भी अपना स्टोर बनाऊँ और आप तक शेयर करूँ। ओके और वैसे भी काफ़ी सारे कमेंट्स मुझे आए थे और मुझे इंस्टाग्राम पे बहुत सारे लिंक भी भेजे हैं लोगों ने कि पीर सॉन्ग पे आप अपना वीडियो बनाइए, रिएक्शन दीजिए, बहुत ही प्यारा सॉन्ग है। तो चलिए हम लोग यूट्यूब पे तो आ ही चुके हैं, यहाँ पे हम सर्च कर लेते हैं पीर नेपाली सॉन्ग। तो दोस्तों जैसा कि सबसे टॉप पे वीडियो आ रही है प्रकाश सपूत का ये गाना है, प्रकाश सपूत न्यू सॉन्ग पीर समझना भंडारी, सूर्य कश्यपंत केशुपुन न्यू नेपाली सॉन्ग 7 days ago, मतलब कि एक हफ्ता हो चुका है इस गाने को और 10 million views, ओ माय गॉड 10 million views इसके हो चुके हैं ऑलरेडी। तो चलिए ज़्यादा वेट नहीं कराएंगे, सीधे देखते हैं इस वीडियो को। जैसा कि मैं थंबनेल में भी देख रहा हूँ तो आर्मी है इसके अंदर, गन ले रखी है और नेपाल के शायद गोरखा सोल्जर हैं, क्या है वो तो हमें वीडियो देखने के बाद ही पता चलेगा। चलिए प्रकाश सपूत के यूट्यूब चैनल से हम वीडियो देखेंगे, स्टार्ट करते हैं वीडियो को 1 2 3 go। दर्शकबिन तत्कालीन नेकपा माओवादीको नेतृत्वमा नेपालमा 10 वर्ष सशस्त्र युद्ध भयो, जसको बलमा मुलुकमा गणतन्त्र, संघीयता, धर्मनिरपेक्षता, समावेशी लगायतका ऐतिहासिक परिवर्तन भए। तर व्यवस्था बदलिए पनि परिवर्तनका लागि लड्ने योद्धा र आम नागरिकको अवस्थामा भने अपेक्षित परिवर्तन आउन सकेन। बरु व्यवस्था बदलिएसँगै देश बदल्न सरकार र संसदमा गएकाहरू आफै बदले र 10 वर्ष युद्धको नेतृत्व गरेकाहरू विभिन्न स्वार्थ र विचारमा विभाजित भए। आज नेकपा माओवादी त्यो बेलाको माओवादी रहेन। तन्दिम हुन्छ के छ त कमाई? ट्याक्सीमा राम्रै हुन्छ नि, यही हो कि त? ल यसो सितन है त। ल कतिको मासु बेच्छौ बुढा? केको मासु बेच्ने हो? बडठुलोको हल्लाले मान्छेले कुखुराको मासु खानै छोडे, 5-7 केजी गयो कि? दिनभरिमा त्यति मासु बेचेर कहिले उभो लाग्ने हो? त्यही भएर पसल बेचेर ट्याक्सी निकालौँ कि भन्ने सोचेको। फेरि नयाँ सोच आइसक्यो, 7 वर्षमा 7 थरी सोच आइसक्यो, उभो लाग्ने केही गरी होइन। अब टेउसी किनेर सहरका सेल्सी बोकेर उभो लाग्यो होला, मैले कतिपल्ट भनिसकेको म विदेश जान्न भनेर, भोकै मर्नु पऱ्यो भने यही देशमा मर्छु। अनि छोरीलाई पनि भोकै मार्छौ? हामीलाई छैन देशको माया? यी देश र जनताको लागि भनेर गोली खाएको होइन, के पाइयो खोइ? गणतन्त्र न मेरा बाबाआमाले तिमीलाई जहीँ सिकारे, न मैले छोरीलाई पेटभरि दुध खुवाउन सकेँ, न तिमीले छोरीलाई पेटभरि भात खुवाउन सकेँ। खुरुक्क विदेश जाऊ, नत्र म जान्छु। गए हुन्छ त? जान्छु त भनेको छु नि, आइना जानु हुँदैन र गाछ नि त है, गरेर पनि खास्नु। खुरुक्क पासवर्ड बनाइदिउँ मलाई।
खाने को रोटी परेर हुन सम्म भछ जानीलाई नजाऊ भन्न नसकिने रछ बस्नीलाई पिर परेर हुन सम्म भछ जानीलाई नजाऊ भन्न नसकिने रछ तिम्रो मायाले मलाई पिर दियो ओ तिम्रो मायाले मलाई पिर दियो कमलो मुटु कमलो छाती ओई कमलो मुटु कमलो छाती चिर दियो चिर दियो ओ तिम्रो मायाले मलाई पिर दियो ओ तिम्रो मायाले मलाई पिर दियो आया आया हाम्रो
सिए कन्सन आ छैन कति भयो तिन महिना भयो नि यसो फेरि बिसाउ नि हो त जाम केही हुन्न जाउँ बिसाउने ठाउँै पाइन कहाँ चौतारी चिनम मुन्छे बन्न मुस्किल भयो के बनेर हिनम पिर बिसाउने ठाउँै पाइन कहाँ चौतारी चिनम मुन्छे बन्न मुस्किल भयो के बनेर हिनम तिम्रो मायाले मलाई पिर दियो ओ तिम्रो मायाले मलाई कमलो मोटु कमलो छाती ओय कमलो मोटु कमलो छाती चिर दियो चिर दियो ओ तिम्रो मायाले मलाई पिर दियो ओ तिम्रो मायाले मलाई पिर दियो आया आया कोहीलाई फाइदा कोहीलाई भयो हानि कतै मर्यो आत्मा सम्मान कतै स्वाभिमानी एउटै घटना कोहीलाई फाइदा कोहीलाई भयो हानि कतै मर्यो आत्मा सम्मान कतै स्वाभिमानी तिम्रो मायाले मलाई पिर दियो ओ तिम्रो मायाले मलाई पिर दियो वैदेशिक रोजगारीमा गएकी एक महिलाले तीन महिनादेखि आफूलाई बन्धक बनाएर राखेको भन्दै लुकेर रुँदै बनाएको भिडियो यतिखेर सामाजिक सञ्जालमा भाइरल भएको छ भिडियोमा उनले आफूलाई सहयोग गर्न आग्रह गरेकी छ बैरी भयो कहाँ जाम कता भागम जानकै बाजी थापेको थिए कसलाई हिसाब मागम आफ्नै विचार बैरी भयो कहाँ जाम कता भागम जानकै बाजी थापेको थिए कसलाई हिसाब मागम तिम्रो मायाले मलाई पिर दियो ओ तिम्रो मायाले मलाई पिर दियो कमलो मोटु कमलो छाती ओय कमलो मोटु कमलो छाती चिर दियो चिर दियो ओ तिम्रो मायाले मलाई पिर दियो
आको यो देशलाई तिम्रो आमाले र मैले धेरै माया गरिन छोरी जानकै बाजी थापेर माया गरिन तर हामीले लिन जानेन कि देशले दिन जानेन कुन्नी देशको माया कहिल्यै महसुस गर्न पाइएन त्यसैले यो देशै छोडेर जाने छोरी बिरानो देशको न माया लाग्ला न आस बाबा देश भनेको के हो देश भनेको के हो सच्ची के हो देश भनेको देश भन्नु त के रहेछ र चार किल्लाको माटो ती माटो नि उनकै मात्र हिजो छन् काठो बाटो देश भन्नु त के रहेछ र चार किल्लाको माटो ती माटो नि उनकै मात्र हिजो छन् काठो बाटो तिम्रो मायाले मलाई पिर दियो पृथ्वीको हुँदैछ भन्छ कमल मोटु कमल छाती चिर दियो आई चिर दियो ओ तिम्रो मायाले खतम हो गया वीडियो खतम हो गया गाना अब इसका सेकंड पार्ट भी आएगा सेकंड पार्ट में हम देखेंगे कि मुलाकात हो पाती है नहीं हो पाती है स्टार्टिंग में तो दिखाया गया कि एक लोअर मिडिल क्लास फैमिली का बंदा जो कि उसकी एक दुकान होती है खर्चे अच्छे से नहीं चल पा रहे होते हैं बाद में वो अपनी शॉप वगैरह बेच के अपनी वाइफ को बाहर भेजता है उसकी वाइफ ही जिद करती है बाहर जाके कमा के अपनी हालत ठीक करेंगे हम लोग फैमिली को बच्चों को पढ़ाएंगे लिखाएंगे खाने के लिए नहीं लेकिन बाद में चल के वो वहाँ पर जाके फंस जाती है किसी कारण अवस्था वहाँ पर उसको शक के दायरे में रख के वहाँ पर पकड़ लेते हैं और फिर इनकी एक स्टोरी फिर समझ में आती है कि ये लोग इस तरह के रेबेल होते हैं जो देश के लिए लड़ रहे होते हैं फ्लैशबैक में जाके चीज़ें समझ में आती हैं कि दोनों हस्बैंड वाइफ ने गोली खाई होती है जो पैर में उसकी गोली लगी होती है ठीक से चल नहीं पा रहा होता उसके पेट में गोली लगी होती है उसकी वाइफ के और एक और जो हमने औरत देखी जो गलत रास्ते पर चली गई थी उसके भी पीठ पर गोली लगी हुई थी ये तो और जो इनका नेता था जिसके लिए लोग लड़ रहे थे वो आज की डेट में बड़ा ही बड़े पॉलिटिकल लीडर बन चुका था लेकिन उसने भी उसकी मदद नहीं की तो बता रहे कि जो जिसके लिए ही इन लोगों ने लड़ाई झगड़ा किया जिनके लिए इन लोगों ने अपनी आवाज़ उठाई उन्होंने इनका साथ छोड़ दिया अब ये फिर से निकला है अपने देश की मिट्टी को अपने रुमाल में लेकर के अपने साथ लेकर के निकला है साथ ही अपनी वही वर्दी पुरानी पहचान लेकर निकले हैं अब सेकंड पार्ट में देखते हैं कि आखिरकार होता क्या है ये लोग मिल पाते हैं या नहीं मिल पाते हैं कौन कौन इनका साथ देता है और कौन इनका साथ नहीं देता है ऐसे लोगों के ऊपर बहुत ही गुस्सा आते हैं जो अपना मतलब निकलवाने के लिए किसी के साथ रहते हैं बाकी वीडियो एकदम दिल के अंदर उतर जाने वाली वीडियो है बहुत ही पैट्रियोटिक सॉन्ग है सच्ची घटनाओं पे आधारित लगता है ये वीडियो क्योंकि काफ़ी लोगों की ज़िंदगी से जुड़ी हुई इसके अंदर काफ़ी चीज़ें हैं कि घर नहीं चला पाते हैं देश के लिए इतने वो लीन होते हैं अपनी पूरा अपना न्यौछावर कर देते हैं जीवन देश के लिए लेकिन कभी देश उन लोगों का साथ नहीं दे पाता है बहुत ही प्रॉब्लम है जो पॉलिटिकल लीडर्स होते हैं जो नेता लोग होते हैं ये लोग बहुत ही घटिया लोग होते हैं जो कि सिर्फ और सिर्फ अपना को अपनी कुर्सी बचाने के लिए सारी पुरानी चीज़ें भूल जाते हैं जिस जगह पर वो पहले थे खड़े थे अब जिस जगह खड़े हैं वो सारा चीज़ भूल जाते हैं क्या उन्होंने स्ट्रगल किया कितनी मेहनत करी यहाँ तक आने के लिए किन किन लोगों ने उनका साथ दिया यहाँ तक पहुँचने में वो उन सब लोगों को भूल जाते हैं उनको बस क्या याद रहता है खुद का जीवन याद रहता है खुद के बाल बच्चे उनको याद रहते हैं बस और कोई भी उनको याद नहीं रहता है बाकी वीडियो देख के तो मेरे को बहुत ही अच्छा लगा दिल में एक दुख दर्द सब कुछ हुआ और एक खुशी भी मिली देश के प्रति इतना प्रेम रखने वाले आज भी हैं तो बहुत अच्छा लगता है सारी चीज़ें देख के बाकी आप लोगों को वीडियो कैसी लगी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें क्योंकि ये वीडियो जितना ज़्यादा आप शेयर करेंगे उतना ज़्यादा लोगों तक पहुँचेगा और लोग इस वीडियो को देख के बहुत ही ज़्यादा खुश होंगे इमोशनल होंगे उन लोगों को भी पता चलेगा कि ऐसे ऐसे लोग भी दुनिया में हैं
ओके दोस्तों, बाकी लास्ट में इतना कहना चाहता हूँ कि आप लोग अपने प्यार यूँ बरकरार रखिए और मुझे यूँ सपोर्ट करते रहिए, जिससे मैं किसी और भी ढेर सारी वीडियोज लेके आऊँ और आप लोगों के साथ शेयर करूँ। चलिए दोस्तों, मिलते हैं फिर अगली वीडियो में इस तरह की धमाकेदार के लिए। बाय।